कोरोना संक्रमण की पिछले दिनों तक भयानक रही दूसरी लहर की कम होती रफ्तार के बीच लापरवाही बरतते हुए बैंक में बिना मास्क लगाए पहुंचे युवक का जब गार्ड ने विरोध किया तो उसके साथ वो उलझ गया, जिसके चलते गार्ड ने युवक को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल हुए ग्राहक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। दरअसल ये पूरा मामला शुक्रवार का है। सवेरे बरेली जंक्शन के पास नॉर्थ रेलवे कॉलोनी में रहने वाले राजेश कुमार राठौर बिना मास्क लगाए ही सिविल लाइन स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय कार्यालय में पहुंचे। उन्होंने अपने मुंह पर कोरोना से सुरक्षा के लिए मास्क नहीं लगा रखा था, इसके चलते बैंक की सुरक्षा में तैनात गार्ड ने उसके साथ टोकाटाकी की और बिना मास्क लगाए बैंक के भीतर घुसने नहीं दिया। इस बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। मौके पर जमा हुए लोगों ने दोनों के बीच बीच बचाव कराया। कुछ समय बाद राजेश कुमार दोबारा से बैंक में बिना मास्क लगाए ही प्रवेश करने लगे। गार्ड ने एक बार फिर से उनको रोकने की कोशिश की और विरोध किया, इसे लेकर फिर से लड़ाई होने लगी। आरोप है कि इसी दौरान गार्ड को गुस्सा आ गया और उसने अपनी दोनाली बंदूक से राजेश को गोली मार दी, जो उसके बाएं पैर में जाकर लगी। मामले की सूचना पाते ही सीओ व इंस्पेक्टर कोतवाली पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और घायल हुए युवक के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। ग्राहक को गोली मारने के आरोप में आरोपी गार्ड केशव कुमार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गार्ड ने बताया कि दोनाली बंदूक लोड थी, जो कि झगड़े के दौरान किसी तरह चल गई, लेकिन उसमें गोली नहीं मारी। इधर अस्पताल भेजे गए युवक की हालत खतरे से बाहर है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है।